हम बनाएंगे ब्रेड के पुलाव। सबसे पहले हम ब्रेड को टोस्ट कर लेते हैं। इस तरह से ब्रेड को हमने टोस्ट कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस साइज के टुकड़े काट लिए हैं। अब गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें 2 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें राई डाल दें। 1/2 चम्मच राई डाली है हमने। राई हो जाए और इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च और कुछ करी पत्ते डालेंगे। अब इसमें ये करी पत्ते हरी मिर्च डाल दें। अब इसमें ये स्लाइस किए हुए प्याज, ये 1 प्याज है बड़ा साइज का, ये डाल दें। हमने 5 पीस ब्रेड ली है। ब्रेड को टोस्ट करके बनाने से ये अच्छा बनता है। प्याज को थोड़ा भुने। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें। इन्हें मिक्स करें। प्याज हो चुके हैं, अब इसमें ये ब्रेड डाल दें। ब्रेड को भी साथ में मिक्स कर लें। अब इसमें डालें स्वाद के अनुसार नमक, बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक। नमक डाल के मिक्स करें। अब इस पे डालें दही। दही डाल के मिक्स करें। दही करीब 1/2 कप डाला है हमने। हल्के हाथों से मिक्स करें। ब्रेड टोस्ट की हुई है इसलिए इसे हमने बहुत ज्यादा नहीं सेका था। इस तरह से बनाने से ये खुले खुले बनते हैं। ये देखिए ब्रेड पुलाव रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ब्रेड के पुलाव रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें।